कुंवर प्रताप महल से बाहर चले गए हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों किया कुंवर प्रताप ने रावत जी, बताइए रावत जी। हम पक पक पर उनको संदेह का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य ढूंढ रहे हैं और वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हमारी आज्ञाओं का उपहास उड़ा रहे हैं। वो रावत जी पिता है, हम उनके पिता की इच्छाओं का सम्मान करना भूल गए हैं। कुंवर प्रताप पिता तो छोड़िए रावत जी, एक राजा के आदेशों का अपमान कैसे कर सकते हैं वो। जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी, कट भी रही थी। जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। अरे वाह, जब से हमने आपको आपकी औकात याद दिलाई है, आप फितरतन नफरत करने के बजाय शेरो शायरी करने लगी। इस जिंदगी में तो बहरम खान हमें नहीं लगता कि हम किसी से भी इतने ज्यादा मुतासर हो पाएंगे कि इतना खूबसूरत लिख सके। मगर हाँ कोई है। देखिए देखिए देखिए, इस वक्त हमारे पास बहुत सारे काम है, इसलिए आप अपनी ये शेर व शायरी कहीं और ले जाइए सुनाने के लिए। आप जानना नहीं चाहेंगे कि कौन है वो शायरा जिन्होंने इतनी खूबसूरत नज्म लिखी है? हम आपकी तरह खाली नहीं है, बहुत सारे काम पड़े हैं निपटाने के लिए। सारी सल्तनत का बोझ है सर पे। सलीमा जलाल की फूफी की बेटी, हमेशा से बहुत पसंद करती आई हैं वो आपको। यूं समझ लीजिए कि इबादत करती हैं। आपको इल्म है इस बात का कि वो तशरीफ ला रही हैं यहाँ? आपको क्या आदत पड़ गई है हमसे बेइज्जत होने की? अरे हमें दिल्ली जाना है, बराए मेहरबानी हमारा वक्त जाया ना करें आप। अच्छा, जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा 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 अच्छा, माफी मांगते हैं हम आपसे। अगर हम पतावार हैं तो ये क्या कसब कर दिया बेगम साहिबा? सलीमा तो शहनशाह अकबर के लिए थी और ये मर्दों के जो रिश्ते म्यान से निकली तलवारों से नहीं टूटते, उनमें औरतें जरूर कारामल साबित होती हैं। जरूरत फक्त इतनी सी है कि औरत का निशाना सही जगह पर लग जाए। अल्लाह, देख के दिल खुश हो गया। इस नाचीज से लड़ने के लिए आप जैसे सरजमीं के मशहूर और मारूफ जंगजू को भी इतनी मशक्कत की जरूरत पड़ रही है। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। कभी भी अपने शत्रु को निर्बल या छोटा मत समझो। ये पहला पाठ था जो हमें सिखाया गया था। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन प्रताप, आप अपनी खुद की तारीफ करने में चाहे कितनी भी कंजूसी क्यों ना करें, हमारी आंखों से ये छुप नहीं पाया कि शमशीर के इस्तेमाल में वाकई इस सरजमी पे आपसे बड़ा जंगजू और कोई नहीं है। इतने अफसोस की बात है कि हमारी ये लड़ाई शमशीरों की लड़ाई नहीं है बल्कि बाजुओं के जोर की है। यदि निर्णय भुजबल से ही होना है तो फिर ठीक है, तलवार की आवश्यकता हमें भी नहीं है। वाह वाह, आप अपनी लड़ाई की तैयारी मुकम्मल करें। अब आपसे अगली मुलाकात होगी आज आधी रात को।
अपनी लड़ाई के अखाड़े में। आज हाले से वो याद आया तो करार आया। कोई है? हम अपनी इबादत बारत में कोई खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुक्म हर आमो खास के लिए है। हर्फ़े आखिर था, हर्फ़े आखिर है, और हर्फ़े आखिर ही रहेगा। ये आवाज शाही मेहमान की है हुजूर। मैं अभी जाकर रोकता हूँ उन्हें। कट भी रही थी जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। मुझे हाले से वो याद आया तो करार आया। फिर उसका ख्याल आया तो करार आया। जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी कट भी रही थी जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। बस एक नज़्म का वादा है वो सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। तेरी खामोश सियासत में गुनगुना लूं तो चलूं, गुनगुना लूं तो चलूं। तो आप हैं जिसने हमारी इबादत में खलल डालने की गुस्ताखी की। अब हमारा हुक्म है आपसे कि आप अपनी शायरी पूरी करें। अब हमारा हुक्म है आपसे कि आप अपनी शायरी पूरी करें। हमने कहा अपनी शायरी पूरी करें। सुना है कैद कर लिया है तूने ख्वाबों को, सर सराती हवाएं भी अश्क बार यहाँ। ऐसे मायूस मनाजिर मैं चुरा लूं तो चलूं, मैं चुरा लूं तो चलूं। बस एक नज़्म का वादा है वो सुना लूं तो चलूं,
वो सुना लो तो चल। कैसी लगी आपको हमारी नज़्म? ठीक थी? शहंशाह, ये है सलीमा, आपकी छोटी फूफी जान की बेटी सलीमा। मशरिक की तरफ जा रही थी तो हमने पैगाम देके रुकवा लिया है और इनसे इल्तिजा की कि कम अज कम दो दिन तो यहाँ ठहरे, फिर आगे रवाना हो जाए। सिर्फ दो दिन? यहाँ दो दिन के लिए भी दिल लग जाए तो बहुत है। यहाँ तो बहती हवाओं के लिए भी खामोशी का फरमान है और हमें तो घुटन होती है खामोशी में। तो फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप वहां जाए जहां पर आप खुलकर सांस ले सके। लगता है आगराई शहंशाह नाराज हो गए। लिल्ला, कमाल है, शहंशाह नाराज तो हवाएं भी अपनी खामोशी तोड़ देती है। इन हवाओं की आंख में चोली देखने के लिए तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। बैरम खान जी, आप तो किसी जरूरी काम से दिल्ली रवाना होने वाले थे ना? काम? कौन सा जरूरी काम? बात क्या कर रही है महामंगा? खुशामदी, अपने अखाड़े में जईरसख का आपका इस्तकबाल करता है प्रताप। लेकिन इससे पहले कि आप अखाड़े में दाखिल हों, बंदा आपको एक छोटी सी जहमत और देगा। मेरे आदमी आपकी तलाशी लेंगे। जहीर सका, आप हमारे कुंवर प्रताप पर संदेह कर रहे हैं? क्या करें, कायदे कानून हैं, बन गए हैं तो इन्हें मान लीजिए। हम चाहते हैं कि तुम सबसे पहले अपना एक नियम बदलो। वो जो तुम हमारी गाय चुराते हो ना, वो नियम, वो सब लड़ाई के बाद। Oh.
वैसे नियमानुसार तो आपकी भी तलाशी ली जानी चाहिए जईरसख। शौक से लो तलाशी जईरसख की, ये जहमत आप खुद ही क्यों नहीं उठाते पत्ता हुजूर? आइए देखिए। जहीर सक्का के पास दो ही चीजें बरामद होंगी मियां, जीतने का जुनून, किरदार का ईमान। तसल्ली हो गई? हथियार है, निहायत ही पैने और असरदार। इन्हें पहन लो। हमारी अब की जिंदगी का सबसे खतरनाक और तगड़ा मुकाबलेबाज हमारे सामने है। उससे लड़ाई में काम आएगा यह हथियार। हुजूर जईरसख, आज आपकी लड़ाई है मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह के साथ। सुबह होने पर लड़ाई का फैसला निकले या ना निकले, लड़ाई को रोक दिया जाएगा और फिर से यह लड़ाई कल रात शुरू होगी। स्वीकार है, मंजूर है। मैं आपको अखाड़े में पहले जाने की दावत देता हूँ। या मैं ये बता दूं कि इस अखाड़े में जो भी पहले दाखिल होगा वो फायदे में रहेगा। लेकिन क्यों किया मेरे मेहमान, इसलिए अंदर जाने पर पहला हक आपका है। रणभूमि हो या अखाड़ा, सिरमौर वो और वो जो सामने वाले का टट कर सामना करेगा। तुम निश्चिंत हो, अंदर जा सकते हो। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। पता, जब तक हमारा ये मल्लयुद्ध चल रहा है, हम चाहते हैं कि तुम जगमाल पर दृष्टि रखो। जी कोई पता। मेवाड़ के राणा तो गौ प्रतिपालक, गौ रक्षा से बढ़कर ऐसा कौन सा धर्म है जो इस कर्तव्य पालन के मार्ग में आपके लिए धर्म संकट बन रहा है? आपको हराने के बाद ही बनेगी बात, वो वाक्या होगा तवारीख के सफों में दर्ज कराने लायक। वो दिन जईरसख की जिंदगी का सबसे खास दिन होगा। यदि आज आपने गौ रक्षा नहीं की तो बहुत ही बड़ा अधर्म करेंगे। जईरसख का इष्ट किसी से नहीं हारा, लेकिन इस पर लड़ाई मेवाड़ के शहजादे प्रताप से है। अपने पुरखों के नाम से जुड़ी
गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि का घोर अपमान करेंगे आप। क्योंकि मेरे पास तू है।